आज हम बनाएंगे कढ़ी। सबसे पहले लिया है मैंने बेसन, इसमें मिलाया है हींग और नमक। बेसन को हम पानी मिला के अच्छी तरह से फेंट लेंगे और तब तक फेंटेंगे जब तक उसमें कोई भी दाना नहीं बचे। अच्छे से फेंटने के बाद मैं अपने बेसन को 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही फूली हुई बनती हैं। मैंने लिया है करी पत्ती और हरी मिर्च, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी लाल मिर्ची नहीं खाता है तो मैं अपने सारे खाने में सिर्फ हरी मिर्ची ही डालती हूँ। अब मैंने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि 15 मिनट हो गए थे और बेसन अच्छे से फूल गया था। पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी हैं, बहुत ही अच्छे से फूली हैं और इस समय घर में खाने वाले 3 से 4 लोग, तो अकॉर्डिंगली मैंने काफ़ी सारी पकौड़ी बना ली हैं। किसी को भी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ मैंने चढ़ा रखे हैं कुकर में चावल। इसके अलावा कढ़ी के साथ पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपने पापड़ भी भून लिए। अब मैं कढ़ाई से बचा हुआ तेल निकालूंगी जो कि एक्स्ट्रा था, और मैंने अपने बेसन में जो बचा हुआ बेसन था पकौड़ी वाला, उसी में ही दही मिक्स कर लिया है। ज़रा सा पानी भी डाल दूँगी इसमें, पहले थोड़ा सा पतला हो जाए, और इसको मैं अच्छे से फिर से फेंट लूँगी जिससे कि दही के कोई भी थक्के नहीं जमे रह जाएँ इसमें। और मैं अपनी पकौड़ियाँ हमेशा पानी से भिगो देती हूँ। इससे मुझे प्रॉफिट ये होता है कि बाद पकौड़ियाँ उतना दही नहीं सूख पाती हैं कढ़ी से। तो अब मैंने बचे हुए तेल में डाली है मेथी। मेथी पकने के बाद मैं मिलाऊँगी हल्दी। हल्दी पक जाएगी तब मैं डालूँगी मिर्ची और अपनी करी पत्ती। इसके बाद वो जो मैंने दही और बेसन फेंट के रखा हुआ है वो मैं मिलाऊँगी और लगातार चलाते भी रहूँगी साथ साथ में। और इसके बाद हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देंगे जिससे कि बहुत ही गाढ़ा ना बने। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि उबाल नहीं आ जाएगा कढ़ी में। और हाँ, इसमें नमक भी डालेंगे क्योंकि नमक सिर्फ पकौड़ियों में ही मिक्स है, तो पूरी कढ़ी में नमक नहीं हो पाया। अब देखिए मेरी कढ़ी में थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ मिक्स कर दूँगी। इसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा पका लूँगी और तैयार है मेरी कढ़ी।